आप हमारे साथ एक ऐसे जगह पे आए हैं जिनका ब्रांच ना कि गुजरात के कोने कोने में है बल्कि अब बॉम्बे में भी है। जी हाँ, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है पी क्रीमी। एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आपको सिर्फ आइसक्रीम ही नहीं, उनके साथ आपको शेक, जूसेस और कई प्रकार के लाइव आइसक्रीम्स मिलते हैं। तो अगर आप जोगेश्वरी एरिया में हैं और आपको डिनर के बाद या लंच के बाद कुछ अच्छा सा आइसक्रीम खाना है तो ये आपके लिए सही जगह है। पर्शिया दरबार के एकदम सामने है, तीन दुकान छोड़ के यहाँ पे आपको ये जगह मिल जाएगा। आप ट्रेन से भी उतर रहे हैं और शाम को अगर आपको आइसक्रीम या शेक पीने की कोई इच्छा हुई तो ये सबसे बेस्ट जगह होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं क्या है इनके खाने में। स्नैपशॉट मैं आपको देना चाहूँगा इस जगह के बारे में। अगर आप इसका मेनू देखेंगे आपको एक ही पेज पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे जूसेस, शेक, लाइव काउंटर में आपको क्या डिशेज मिलेंगे। सबसे बेस्ट बात इस जगह की ये है कि ये जगह एक ब्रांच है जो एक्चुअली में बिस्मिल्ला के नाम से सूरत में बहुत फेमस थी। वहाँ पे और 40 ऐसे ब्रांचेस हैं जो गुजरात में बहुत फेमस है और उसी का नाम उन्होंने बी क्रीमी करके रखा था। यहाँ पे एक खासियत ये है कि इन्होंने जो जगह चालू की थी गुजरात में वहाँ पे एक थिक शेक बहुत फेमस था जिसका नाम था बिस्मिल्लाह। और जब आप यहाँ आए तो लाइव काउंटर जरूर देखिए। अभी लेके आया हूँ, मैंने बीच रास्ते में ही थोड़ा खा लिया था। उसकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे, ये फ्रेश गुआवा का आइसक्रीम है और ये लाइव काउंटर पे बना हुआ है। आप अगर ये वाला डिश खाएंगे यहाँ पे, मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप नॉर्मल गुआवा जो आपको फ्रूट मिलता है वो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इसकी टेस्ट इतनी अच्छी है और उसमें ऊपर से उन्होंने जो स्पाइस दिया है, जो मसाला डाला है, जो एक्चुअल गुआवा में डालते हैं वैसे ही करके इसमें भी डाला है। तो आप जब आप खा रहे हैं ये चीज़ तो आप वो वाला गुआवा ज़रूर भूल जाएंगे। आइसक्रीम के अंदर पाउडर यूज़ नहीं करते, जब आप उसका टेस्ट लेते हो तो आपको फील आती है कि आप एक्चुअल में आइसक्रीम जो मिल्क से बनी हुई है वो खा रहे हैं। तो जितने भी चीज़ें खाई हैं यहाँ पे आइसक्रीम वगैरह जो भी आइटम बना के खिलाई है बेस्ट टेस्ट था दूसरी जो आइसक्रीम के कंपेयर में। अभी खा रहे हैं हम लोग जेली आइसक्रीम वाली जो खा रहे हैं इसका भी बहुत बेहतरीन टेस्ट है और काफ़ी चेंजेस है टेस्ट के अंदर भी। पाइन एप्पल क्या अलग अलग फ्लेवर्स है, इसमें ड्राई फ्रूट भी डाला गया हुआ है। ये जगह के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे ऐसे ही आया था मैसेज या फ्रेंड लोगों के दोस्तों की तरफ से आया था? दोस्तों की तरफ से, दोस्त ने स्टेटस डाला था, उससे हम लोगों ने देखे और हम लोगों ने भी फॉलो किए रूल्स। ओके, स्टेटस भी जिसका ज़्यादा होगा उसको यहाँ पे उनकी फैमिली चार मेम्बर के साथ आके आइसक्रीम खाने का मौका मिलेगा। मैं तो जितनी पूरी लिस्ट है वो पूरी लिस्ट ट्राई करने का मन कर रहा है। सिज़लिंग ब्राउनी अगर आपके सामने बने तो क्या बात है। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं वो सिज़लिंग ब्राउनी बन रहा है, बट जो इनके बनाने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइव है, आपके सामने बन रहा है तो आपको देखने में भी मज़ा आ रहा है। सिज़लिंग है ना? जी हाँ। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो मैं खा रहा हूँ आपके सामने ये चीज़ के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एक पेटेंट है
सिजलिंग ब्राउनी हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, पर उसके ऊपर काजू और चॉकलेट, क्या बात है। इसके साथ ही अलविदा। वॉन्डर एंड गॉबल के साथ जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।